नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के 50 क्वेश्चन जो कि रेलवे ग्रुप डी, ALP टेक्नीशियन और RPF के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दबाव किसमें मापा जाता है? बैरोमीटर से दब मापा जाता है। अगला, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, या कह सकते हैं दूध की शुद्धता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? लैक्टोमीटर द्वारा। अगला, रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग करते हैं, किसको मापने के लिए प्रयोग करते हैं? भूकंप मापने के लिए। ओके, अगला, रडार उपयोग में आता है, क्यों आता है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। अगला, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? उसे कहते हैं लक्स मीटर। ओके, अगला, रडार का आविष्कार किया था तो किसने किया था? रॉबर्ट वॉटसन बॉट ने। आवेग का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है न्यूटन सेकंड। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, तो सापेक्ष आर्द्रता किसमें मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। अगला, टेकोमीटर उपकरण है जिससे मापा जाता है, तो क्या मापा जाता है? चाल। सदिश राशि कौन सी होती है? तो कोणीय संवेग होती है, और भी राशियां होती हैं बट इसमें ये कोणीय संवेग हो गया। ओके, अगला, एक माइक्रोन के बराबर होता है, तो एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 0.001 मिलीमीटर। ओके, अगला, जड़त आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो वो होता है किलोग्राम मीटर। तो जड़त आघूर्ण क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू एफ। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अगला, गैलीलियो क्या थे एक? तो वो एक खगोलज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाना, जल से भरे पात्र में पड़े सिक्के का उठा नजर आना, तो ये किसके कारण होता है? तो ये होता है अपवर्तन के कारण। अगला है, मरीचिका का बनना क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मरीचिका बनता है। अगला, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देना, तो ये किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। अगला, हीरे का चमकना, तो ये क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश तंतु का कार्य करना, तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। आकाश का नीला दिखना, तो ये किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अगला, सुबह शाम का सूर्य लाल दिखना, ये भी प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला, पानी के बुलबुले का रंगीन दिखना, तो ये किसके कारण होता है? व्यतिकरण के कारण। ओके, अगला क्वेश्चन है, पानी के सतह पर पड़े मिट्टी का तेल का रंगीन दिखना किसके कारण होता है? व्यतिकरण के कारण। अगला, सीडी का रंगीन दिखना, ये किसके कारण होता है? विवर्तन के कारण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का दिखना, तो ये होता है व्यतिकरण और बाहुलित परावर्तन के कारण। अगला, खतरे का चिन्ह का लाल होना, क्योंकि जो लाल रंग का प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है। ओके, इसीलिए खतरे का जो रंग जो रखा गया वो लाल रखा गया है। कांच में आई दरारें चमकदार दिखती हैं, क्यों होती हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जल में रखी हुई परख नाली चमकीली क्यों दिखाई पड़ती है? तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई पड़ती है। कालिक से पोता गोला जल में चमकता है, तो ये क्यों होता है? तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अगले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे लेंस से संबंधित। ओके, तो अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने वाले गाड़ी की हेडलाइट और सर्च लाइट, सोलर कुकर में, दंत चिकित्सक में, आंख कान गला के चिकित्सक में। ओके, अगला आता है, उत्तल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं? ड्राइवर के बगल में, स्ट्रीट लाइट में प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो श्रृंगार दर्पण के रूम में करते हैं, बहुदर्शी और परिदर्शी में भी प्रयोग करते हैं। अगला, उत्तल लेंस के उपयोग क्या होते हैं? तो कैमरा, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फिल्म प्रोजेक्टर तथा दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस के उपयोग क्या होते हैं। तो ये गैलीलियो दूरदर्शी के नेत्रिका तथा निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है, कांच में किस रंग के प्रकाश की गति सबसे कम होती है? तो वो होती है बैंगनी रंग के प्रकाश की। अगला, धूप के छाते में ऊपर की सतह किस रंग की होनी चाहिए? तो ये सफ़ेद रंग की होनी चाहिए। अगर काला होता है तो वो जो गर्मी होती है वो सारी अवशोषित कर लेती है, तो काले रंग का नहीं होना चाहिए। अगला है, कांच में किस रंग के प्रकाश की गति सबसे कम होती है? तो बैंगनी। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग दिखाई पड़ता है? तो ये हरा रंग दिखाई पड़ता है। अगला, दोपहर 12 बजे दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा या नहीं? तो नहीं दिखेगा। अगला, प्रकाश तरंग कैसी होती हैं? तो ये होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो लाल, हरा और नीला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रकाश का रंग निर्भर करता है तो किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पर। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है? तो लाल रंग की होती है। अगला, हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई पड़ेगा? तो ये दिखाई पड़ेगा काला। यदि किसी पीली वस्तु को लाल प्रकाश में देखा जाए तो वो कैसी दिखाई पड़ेगी? तो काली दिखेगी। इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितनी होती है? 7। इंद्रधनुष में किनारों पर रंग कौन कौन से होते हैं? तो बैंगनी और लाल। मानव आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? तो वो बनता है वास्तविक और उल्टा। आंखों में बाहर के पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है? आयरिस। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह क्या होता है? दृष्टिपटल, जिसे कहते हैं रेटिना। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक जबकि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो होती है ऋणात्मक, जिसे कहते हैं नेगेटिव। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? तो ये होती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। विसर्जन लैंपों में कौन सी गैस भरी होती है? तो नियॉन। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने नापा था? तो ये नापा था रोमर ने। ओके, अगला है, तड़ित की चमक उसकी गर्जन से पूर्व सुनाई दे जाती है क्योंकि जो प्रकाश की गति है ध्वनि की गति की अपेक्षा बहुत तीव्र होती है। हीरा के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? 24 डिग्री। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अनअकैडमी पर आप अगर मैथ और रीजनिंग के वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं।